नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक टेरिडोफाइटा के बारे में। देखिए, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया, वर्गीकरण, उसके बाद हमने आपको एल्गी बताया, फिर ब्रायोफाइटा बताया, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा। तो चलिए टेरिडोफाइटा का पहला लेक्चर देखते हैं। दोस्त, टेरिडोफाइटा क्या है? देखिए, अब यहाँ हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। तो आप समझिए, ये है टेरिडोफाइटा। अब देखिए, हम आपको बता दें, सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखिए, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, एल्गी, ब्रायोफाइट और अब आ गया टेरिडोफाइट, ठीक है। तो टेरिडोफाइट क्या है कि ये एडवांस है, किससे? ब्रायोफाइटा से ज़्यादा एडवांस है। आपने देखा था कि ब्रायोफाइटा में, देखिए एल्गी में क्या था, एल्गी में था कि नो डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इसमें थैलस था कि जो कि जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं था एल्गी में। अब ब्रायोफाइटा में क्या आया था कि इसमें रूट नहीं थी, बाकी लीफ और स्टेम जैसी संरचनाएं अपीयर हो गई थी। अब टेरिडोफाइटा में क्या है कि इसमें लीफ भी होगी और स्टेम भी होगा, यानी और रूट भी है, ठीक है। जड़, तना और पत्ती, जड़, तना और पत्ती, इसमें तीनों डेवलपमेंट हो जाते हैं, किसमें? टेरिडोफाइटा में, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा के बारे में अब थोड़ा सा समझते हैं कि टर्म, देखिए टर्म टेरिडोफाइटा किसने दिया? सबसे पहले वो दिया हीकेल ने 1866 में। टर्म टेरिडोफाइटा वाज गिवन बाय हीकेल इन 1866, ठीक है। 1866 में टर्म टेरिडोफाइटा दिया था किसने? हीकेल ने। अब इसकी अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त? यानी इसके अध्ययन को कहते हैं, टेरिडोफाइटा के अध्ययन को कहते हैं टेरिडोलॉजी। द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज कॉल्ड टेरिडोलॉजी। जैसे ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी था और एल्गी का अध्ययन था एल्गोलॉजी, उसी तरीके से टेरिडोफाइटा का अध्ययन है टेरिडोलॉजी। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? टेरिडोलॉजी कहते हैं। और बताया, अभी पहले ही बताया कि मोर एडवांस देन ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं कि ब्रायोफाइटा से मोर एडवांस होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं। अगर खास बात समझिए तो इसमें जड़ टेरिडोफाइटा में जड़ भी होता है, तना भी होती है और पत्ती भी होती है, लेकिन यहाँ फल फूल की कल्पना ना करिए, यहाँ फल फूल ये सब नहीं होते हैं। केवल ये ऐसा पौधा है कि जिसमें जड़, तना, पत्ती, इसी में केवल डिफरेंशिएटेड होता है। इसके अलावा न तो बीज होगा इसमें, न फल होगा, न फूल होगा, कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं? केवल क्या होगा? जड़, तना और पत्ती होगी इसमें, ठीक है। अब इसे और किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा सा डेवलपमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्त? डेवलपमेंट। आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, इसको कहा जाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, क्योंकि यहीं से जाइलम और फ्लोयम का डेवलपमेंट शुरू होता है, कि यहीं से जाइलम और फ्लोयम, ठीक है, कौन? जाइलम और फ्लोयम यहीं से बनना प्रारंभ हो जाता है। स्टीलर सिस्टम का जो डेवलपमेंट है यहीं से होता है, कहाँ से? टेरिडोफाइटा से, क्योंकि इसके पहले ब्रायोफाइटा में जो है वहाँ पर उसे नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहते थे, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कह रहे थे। अब यहाँ क्या है? ये है वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, ठीक है। क्या है? वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। एक बात और इसे कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव ट्राइकियोफाइटा। इसे क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव ट्राइकियोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? टेरिडोफाइटा को। तो इस दो शब्द को आप ध्यान रखिएगा दोस्त। अब यहां एक अगली खास बात क्या है कि साइलोफाइटल्स लाइक राइनिया, साइलोफाइटल्स के अंतर्गत है जैसे राइनिया, वेयर फर्स्ट ट्राइकियोफाइट, पहला ट्राइकियोफाइट्स किसको कहा गया? वो है राइनिया। कौन है दोस्त? वो है राइनिया, ठीक है। अब देखिए साइलोटेल्स, एक क्या है? साइलोटेल्स। अब ऑर्डर है साइलोटेल्स, फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट। साइलोटेल्स को प्रथम वैस्कुलर स्थली पौधे कहा जाता है, वैस्कुलर लैंड प्लांट कहा जाता है। और इससे क्या कहा जाता है? इसी साइलोटेल्स को एक नाम से और जाना जाता है दोस्त। इसको समझिए, क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए इसी को, साइलोटेल्स को ही क्या कहा जाता है? स्नैक्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहा जाता है? पादप जगत का सर्प कहा जाता है, पादप जगत का सर्प कहा जाता है। किसको कहा जाता है? साइलोटेल्स को। तो इस खास बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, साइलोटेल्स को। और यही है क्या? फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट, प्रथम स्थली पौधा बन गया, ठीक है। अब अगली खास बात क्या है कि टेरिडोफाइट्स वेयर फर्स्ट स्पोरोफाइटिक प्लांट। यही प्रथम जो ये पौधे टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, यही सबसे पहले स्पोरोफाइटिक प्लांट थे। अभी गैमेटोफाइटिक पढ़ा था, कहाँ? ब्रायोफाइटा में कैसा था? युग्मक उद्भिद था, यहाँ कैसे? बीजाणु उद्भिद है। ये टेरिडोफाइटा जो है कैसा है दोस्त? ये है बीजाणु उद्भिद है। कैसा है? बीजाणु उद्भिद है, 2n है। इसकी जो बॉडी है वो डिप्लॉयड है, ठीक है, यहाँ हैप्लॉयड नहीं है। अगली खास बात, द प्लांट बियरिंग फीडर लाइक लीव्स। इसका जो पौधा होता है,
फीदर मीन्स पंख की तरह पत्ती इसमें धारण करता है। यह पौधा जो टेडोफाइट्स हैं ये पत्ती यानी किसकी तरह पंख की तरह पत्ती धारण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पंख कैसे देखा होगा, इस तरीके से आपने देखा होगा बिल्कुल पंख, ठीक है, ये इस तरीके से देखा होगा ना, ये पंख कुछ इस तरीके से होते हैं, तो इसकी पत्ती बिल्कुल इसी तरीके से होती है, इस तरीके से इसकी पत्ती होती है, ठीक है। इस यह पौधा क्या बियर धारण करता है, फीदर लाइक ऑफ लीव्स फाउंड इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल, दोनों यानी जीवाश्म और जो फॉसिल हो चुके हैं और जो लिविंग है जीवित है इसके जिनेरा, दोनों में इसी तरीके से इसमें लीव्स दिखाई देती फीदर की तरह, ठीक है, फीदर पंख की तरह। अब देखिए अगली खास बात, नियर अबाउट 400 लिविंग एंड फॉसिल जिनेरा, इसमें जिनेरा की अगर बात करें तो कुल मिला के लिविंग और फॉसिल दोनों जिनेरा मिला के लगभग कितने हैं 400 है, जबकि स्पीसीज की अगर बात करें तो स्पीसीज की जो संख्या है 10,500 है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं दोस्त, यहां पूरे विश्व में जो टेडोफाइटा के जो जेनेरा है वो लगभग 400 हैं फॉसिल और लिविंग दोनों मिलाकर के, जो कि स्पीसीज हैं, स्पीसीज की संख्या 10,500 है, कितनी है 10,500 है। अब ये कब ओरिजिनेट हुए और कब डोमिनेंट हुए अर्थ पर, इसको भी देखिए, यहां ध्यान दीजिए क्या है दोस्त, यहां पर ध्यान दीजिए, टेडोफाइट्स ओरिजिनेटेड इन सिलूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा के सिलूरियन पीरियड में इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है, किसकी टेडोफाइटा की, यह बात आप नोट कर लीजिएगा, खासकर से यह बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अगली बात क्या है, डोमिनेटेड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर कब डोमिनेट हुए, कब प्रभावी हुए, इन डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा के किस पीरियड में, कार्बोनिफेरस और डिवोनियन पीरियड में यह डोमिनेट हुए यहां पृथ्वी पर, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग कितने वर्ष पहले, 300 मिलियन वर्ष पहले, तो यह भी क्वेश्चन बनाया जा चुका है 300 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, यह भी क्वेश्चन बनाया जा चुका है। अब बाकी इस पीरियड से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आगे इसकी खास बात क्या है दोस्त, उस हम खास बात को भी देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या बातें हैं उसको भी देख लिया जाए। देखिए अब यहाँ हम वो तो इंट्रोडक्शन के बारे में तौर पे हमने आपको बताया, अब यहाँ बात कर रहे हैं हम हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्त, हैबिट और हैबिटेट। देखिए हैबिटेट और हैबिट के बारे में बात करें तो मोस्टली स्मॉल, ठीक है, ये मोस्टली मुख्य रूप से कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ ही होते हैं जो ट्री रूप में होते हैं, कैसे ट्री रूप में, बहुत कुछ कम ही होते हैं, ठीक है। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है टेडोफाइटा तो हम आपको बता दें, आप लोगों ने देखा दुल्हा की कार जाते हुए देखा है ना, और जब दुल्हा चल देता है कार से बैठ के एकदम दुल्हन के साथ, तो उसके कार के ऊपर जो सजावटी, उसकी कार की सजावटी हुई रहती है, पूरा डेकोरेशन हुआ रहता है, तो उसके ऊपर एक बिल्कुल कार के ऊपर देखिए किस तरीके से, हम आपको बता दें ये है बिल्कुल इस तरह से, आपने आप लोगों ने देखा होगा यहाँ इस तरीके से कार है, ठीक है, चल रही है। अब यहाँ पर एक यहाँ पर सजा होता है, बीचों बीच यहाँ पर रखा होता है, ठीक है, ये रखा होता है यहाँ पर, तो ये बीचों बीच जो यहाँ पर होता है वो यही होता है क्या, टेडोफाइट्स की जो लीव्स होती हैं वही रख दी जाती है सजावट के रूप में, ठीक है, तो वही आप समझ लीजिए। मोस्टली स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, एनुअल और एनुअल क्या वार्षिक होते हैं, जैसे वार्षिक में सिलेजिनेला है और एजोला है, ठीक है, ये वार्षिक होते हैं कि एक ही वर्ष में इनकी सारी कहानी खत्म हुई, जीवित हुए, आए, नौटंकी किए और चले गए। कुछ पेरियन होते हैं, फ्यू पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय होते हैं, कुछ कैसे होते हैं बहुवर्षीय, बहुवर्षीय मतलब वृक्ष की तरह कार्य करने लगते हैं, जैसे ट्री फर्न है, जैसे कौन साइथिया है, कौन है ट्री फर्न, उस किसको कहा जाता है साइथिया, और इसके अलावा देखिए जैसे साइजिया है, एंजियोप्टेरिस है, आसमुंडा है, लाइगोडियम है, ये सभी कैसे हैं पेरिनियल हैं, बहुवर्षीय हैं, बाकी एक वर्षीय में सिलेजिनेला है और एजोला है, ठीक है। और देखिए कुछ जो है यहाँ पर टेरिस्ट्रियल होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, अब स्थलीय, जलीय और एपिफाइट्स इसके बारे में बात करते हैं, कुछ मोस्टली जो होते हैं देखिए मुख्य रूप से तो ये टेरिस्ट्रियल होते हैं, ग्रो इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस यानी नम और छायादार स्थानों पर ये उगते हैं, कहाँ उगते हैं नम और छायादार स्थानों पर, लेकिन कुछ एक्वेटिक कुछ की जो है जली जातियां हैं, जैसे एजोला है, साल्विनिया है, आइसोटिस है और मार्सिलिया है, अर्थात मासी, आप कह दीजिए क्या मासी, ठीक है, मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया और आइसोइट्स, ठीक है, तो ये चार जो है स्पीसीज इसकी कैसी हैं, ये हैं एक्वेटिक स्पीसीज हैं, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी एपिफाइट्स में देखिए, एपिफाइट्स में कौन है इसको भी देख लेते हैं भाई, कौन है एपिफाइट्स, इसको ध्यान दीजिए, एपिफाइट्स टेडोफाइट, तो जो एपिफाइट्स हैं जैसे हैं सिलेजिनेला ऑर्गेन, ठीक है, ओरेगोन सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम
फ्लेगमेरिया है, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया है और ये साइलोटम है। ये कैसे हैं? ये एपिफाइट्स हैं। क्या है दोस्त? ये एपिफाइट्स हैं। बाकी जो क्लाइंबर हैं, जो चढ़ने वाले हैं, क्लाइंब करने वाले, इसमें इसका एग्जांपल है लाइगोडियम। कौन है? लाइगोडियम क्लाइंबर में भी है। और जीरोफाइट्स कुछ इसकी स्पीसीज कैसी हैं? जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स में जैसे इक्विसीटम आर्वेंस है और सिलेजिनेरा रुपेस्टिस है। इसी में, सिलेजिनेरा रुपेस्टिस में ही क्या पाई जाती? सीड हैबिट पाई जाती। क्या पाई जाती है? सीड हैबिट की जो फिनोमेना है देखी गई। और ये क्या है, आगे मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। बाकी सिलेजिनेला डेंसा है, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला है, एडियंटम है, एडियंटम जैसे इसका दूसरा नाम है वॉकिंग फर्न। और बाकी इसमें कौन है? एक्रोस्टिकम ओरियम, ठीक है, एक्रोस्टिकम ओरियम। तो इसकी जो प्रजातियां हैं ये जीरोफाइट्स हैं। क्लाइंबर में लाइगोडियम है, एपिफाइट्स में सिलेजिना ओरिगॉन है, लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया है और साइलोटम है, ठीक है। आगे देखिए, ये कौन सा है? ये तो भाई हैलोफाइट्स हो गया था। कौन हो गया? ये हो गया हैलोफाइट्स, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या इसकी भाई विशेषता है। इसको देखिए, अगर साइज की बात करें इसके साइज की, तो इसकी साइज जो है मिलीमीटर से लेकर मीटर तक होते हैं। मतलब छोटे नान नान से होकर थोड़ा सा बड़ी भी होते हैं, ठीक है। तो मिलीमीटर से मीटर तक होते हैं। और सबसे छोटा जो टेडोफाइट है वो है एजोला। क्या है दोस्त? वो है एजोला। सबसे छोटा टेडोफाइट है एजोला। और लार्जेस्ट कौन है? वो है साइथिया। लार्जेस्ट में कौन है? साइथिया है। और टॉलेस्ट है आल्सोफिला। टॉलेस्ट टेडोफाइट कौन है? वो है आल्सोफिला। और लार्जेस्ट में कौन है? साइथिया है। स्मॉलेस्ट कौन है? एजोला है। तो ये तीन जो है मुख्य बातें हैं, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो टेडोफाइटा का दोस्त यह पहला लेक्चर है और इसके बाद हम आपको बताएंगे दूसरा लेक्चर। देखिए, पहले लेक्चर में हैबिट और हैबिटेट हुआ। जो दूसरा लेक्चर होने वाला है थैलस स्ट्रक्चर का होने वाला है। जो तीसरा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है रिप्रोडक्शन के बारे में। और यही आपके कोर्स में पढ़ना है, ठीक है। यहां कोई जीनस पार्टिकुलर नहीं है दोस्त। आज के हमारे इस लेक्चर में छोटा सा लेक्चर है, यहीं तक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू। जय हिंद।